आप देख रहे हैं द राउत क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि कंपनी एक्ट 13 प्रोवाइड करती है कि किसी भी कंपनी की जो है सर वो 3 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो सकती हैं, जिसमें कि ऑथराइज्ड कैपिटल आती है, इशूड कैपिटल आती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल आती है। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में, और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैपिटल तो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, जो कि उसको वो इश्यू कर सकती है और सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को ऑफर कर सकती है, वो क्या कहलाती है, ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। मैंने यहाँ पे लिखा पहले द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। कहने का मतलब ये है सर कि कोई भी कंपनी जो है वो उसको अपने MOA, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी हम लोग कहते हैं, इसके बेसिस पे वो कंपनी जो है अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को इश्यू कर सकती है और उसी को पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए वो ऑफर भी करती हैं। जैसे कि वो अपने शेयर को ब्रेक करके वो 1 रुपए की, 2 रुपए की, और जैसा कि उनको इच्छा हो, उनकी च्वाइस हो, वो उसके बेसिस पे क्या करते हैं कि अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद अपने शेयर का वो कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि वो 1 रुपए की होनी चाहिए, 2 रुपए की होनी चाहिए, 5 रुपए की होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया है। देख लीजिए कि द टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, सपोज इट इज 10 लाख रुपीज, सो इट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। आप उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि क्लासेस ऑफ जो शेयर कैपिटल होती है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो आप चाहें तो इन दोनों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी टोटल कैपिटल 10 लाख की है तो आप उसको 75,000 इक्विटी शेयर को 10 रुपए ईच के हिसाब से, तो कितनी हो गई 75,000 into 10 will give you the value of 7,50,000. The same manner, if you decide to have 25,000 preference shares of rupees 10 each, then you will be having 2,50,000 for your preference share capital. So the sum of the equity share and the preference share will give you the net worth of 10 lakh. ये आपके पास में पहले थी कि आप इसको 75,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए की, उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लें, 25,000 10 रुपीज इसकी, आप प्रेफरेंस शेयर को डिवाइड कर लें, तो भी आपके पास में नेटवर्थ 10 लाख की ही आएगी। एक और एग्जांपल मैंने इसी को ब्रेक किया है, किसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 75,000 इक्विटी शेयर अगर मैं सपोज कर लूँ कि 50 रुपीज इसकी है, तो वो भी मुझे वैल्यू कितनी देगी, 7,50,000, और 25,000 जो प्रेफरेंस शेयर अगर मैं ले लूँ 10 रुपए ईच की, तो मुझे वो वैल्यू देगी 2,50,000 की। दोनों को फिर से मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास में 10 लाख रुपीज आ रही है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथेंटिकेशन कंपनी को मिलता है कि अगर आपको टोटल कैपिटल अगर आप जो है इशू करना चाहते हैं तो आप 10 लाख कर सकते हैं। आप उसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो आप वो इस तरीके से इक्विटी शेयर को और प्रेफरेंस शेयर को आप ब्रेक कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। फिर बात यह अराइज होती है सर क्या कि प्रेफरेंस शेयर और कैपिटल इक्विटी शेयर जो होती है सर क्या उन दोनों के लिए जो है नंबर ऑफ मीन्स जो प्रोविजंस होगी क्या वो अलग अलग होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि बताया है आपको ये कि सर इक्विटी शेयर जो होती है और प्रेफरेंस शेयर होती है डिफरेंट होती है, काफी बहुत सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताई है इनके बीच में कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट क्यों है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और ये कंपनी खुद अपने डिसीजन को लेती है कि मुझे इक्विटी शेयर को इशू करना है, कितना करना है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए इस शेयर की, और साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर की जो है वो कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करना है और उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो ये थी आपको आपके लिए ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में कंपनी जो इशू करती हैं। और आगे मैं बताने वाला हूँ आपको इशूड कैपिटल के बारे में। इशूड कैपिटल क्या होती है कि सर इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि कंपनी टाइम टू टाइम पब्लिक को इशू करती हैं, जब जब उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पब्लिक में जाते हैं और इशू करते हैं कि हमारे इतना नंबर ऑफ शेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और पब्लिक जा करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उस कंपनी की जो है ऑनरशिप वो ले सकते हैं। फिर आता है आपका, और ये जो इशूड कैपिटल है वो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल से कभी आगे नहीं, मतलब कि ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास में राइट्स ही इतनी है कि आप इतना नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर्स पे आप रुपया रिसीव कर सकते हैं, मनी रिसीव कर सकते हैं, तो आप इश्यू उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, आगे है सब्सक्राइब कैपिटल।
सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है या अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी है जो कि कंपनी रिसीव करती है आफ्टर अ पब्लिक सब्सक्राइब फॉर इट, या उसके लिए कुछ कंसिडरेशन जब पे करते हैं पब्लिक तो क्या कहलाती है वो, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। जो नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच द पब्लिक हैव पेड द रेस्पेक्टिव अमाउंट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। एंड सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैन बी रिसीव फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दोनों ही सर्कमस्टांसेस के पास में है कि जो कंसिडरेशन होगी सब्सक्रिप्शन की वो या तो कैश में रिसीव होगी कंपनी के द्वारा, या नहीं तो पब्लिक जो है उसके बिहाफ में कोई ना कोई कंसिडरेशन दे सकते हैं, काइंड में दे सकते हैं, कोई एसेट दे सकते हैं। ओके, फिर जो सब्सक्रिप्शन आता है वो बेसिकली दो तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पहला केस है कि सर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पेड अप का मतलब होता है दो तरह की कैपिटल मतलब सब्सक्रिप्शन आती है, एक सब्सक्रिप्शन के केस में दो वर्ड्स आती है जैसे कि कॉल्ड अप और पेड अप। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है इन चीजों को लेकर के, सर कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है और पेड अप वैल्यू क्या होता है। जो कॉल्ड अप वैल्यू होता है उसका मतलब होता है कि कॉल, कॉल मतलब पुकारना, कंपनी जो पुकार रही है मतलब कि जो कॉल कर रही है कि आइए हमारे शेयर का वैल्यू इतना है उस पर आप रुपया पे करके अपना ऑनरशिप ले सकते हैं। और पेड अप का क्या मतलब होता है कि जो लोग आते हैं और उसके बिहाफ में कितना अमाउंट पे करते हैं वो कहलाती है पेड अप वैल्यू, जो कि पब्लिक से आती है। तो दोनों ही टर्म्स क्लियर है, कॉल्ड अप वैल्यू पब्लिक के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पेड अप वैल्यू आपके पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये तो बात रही सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फिर आता है आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहां से यहां पर दो तरह की प्रॉब्लम जो एक सिचुएशंस है वो क्या है सर कि आपको हमेशा दिक्कत देती है समझने में कि सर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप जो सिचुएशन होगा वो कब कब होगा और कब कब नहीं होगा। तो उसके लिए देख लीजिए कि एक केस तो ऐसा है कि सब्सक्राइब तो हुआ है बट फुली पेड अप नहीं आया है, ये कब होगा, जब कंपनी हैज कॉल्ड अप द एंटायर नॉमिनल वैल्यू बट नॉट रिसीव्ड द मनी ऑन सम रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो केस हो गया आपका जब कंपनी जो है वो टोटल एंटायर वैल्यू को कॉल करती है बट जो फेस वैल्यू है आपके शेयर की, जैसे सपोज के लिए 5 रुपए की आपकी एक शेयर है और उसपे लोगों ने सब्सक्राइब किया 3 रुपए दे करके, तो उस केस में क्या होती है कि कंपनी की गलती नहीं होती है, वो होती है पब्लिक की गलती, पब्लिक की फॉल्ट होती है। और वहां पर ये माना जाता है कि सर सब्सक्राइब तो है बट पूरी तरीके से रुपया उन्होंने पे नहीं किया है। दूसरा क्या है सर कि कंपनी हैज नॉट येट कॉल्ड अप द एंटायर नॉमिनल वैल्यू। कंपनी ने क्या किया कि 5 रुपए की उनकी खुद की शेयर थी और उन्होंने क्या किया कि 5 रुपए के बदले में उन्होंने 3 रुपए पे या 4 रुपए पे उसको इश्यू कर दिया सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो कंपनी की फॉल्ट है। उस केस में भी क्या होगी आपकी, वो सब्सक्राइब तो होगी बट नॉट फुल्ली पेड अप होगी। इन बोथ ऑफ दिस केसेस वी विल डिस्कस अबाउट दिस सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। और आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप सब्सक्राइब ऑथराइज्ड कैपिटल को, इशूड कैपिटल को, सब्सक्राइब कैपिटल को आप नोट्स टू अकाउंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आई थिंक आज के लिए ये इतना काफी होगा आपके कॉन्सेप्ट। So if you did like the video, you can like it, subscribe my channel and share my video with your native ones. Thanks for watching.